Hello children, welcome to your English class. Hope that all of you are fine. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 11, A Girl with an Apple. This chapter is written by Herman Rosenblatt. And here he talked about a girl who passed him food through the fence of concentration camp in World War II. And this story is the real story of his life. So let's start the chapter and try to find out some interesting facts about his life. So let's begin with some questions. I want to ask you before beginning the chapter. First question for you is that who was Hitler? Hitler kaun tha? Why it is necessary for us to know about Hitler? Because jo is chapter ke author hain, Hermann, he belonged to Germany. और दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू जर्मनी, तो हमें हिटलर के बारे में पता होना चाहिए. हिटलर वॉज अ जर्मनी रूलर. द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड ही हेट द ज्यूज? ज्यूज कौन थे? डिफरेंट कास्ट के जो लोग थे, डिफरेंट रेस के जो लोग थे इन द जर्मनी, वाई डिड ही हेट देम? जो हिटलर था वो उनसे नफरत क्यों करता था? क्यों? बिकॉज He thought that Jews are not good people. उसे क्या लगता था कि ये जो हैं जर्मनी के अच्छे लोग नहीं हैं, and they have not any right to live in Germany. उन्हें जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है. That's why he hate Jews. The next question for you is that what did he do to them? उसने जो Jews people थे उनके साथ क्या किया था? तो जो हिटलर था उन्होंने सभी Jews people को मार दिया था. And some of those who was left, वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, but उसके बाद ही जो जर्मनी है उसे free कर दिया गया था. The next for you is that what kind of a place was the concentration camp? जो concentration camp है में इस chapter में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमें story से पता चलेगा कि concentration camp क्या होते हैं, because ये जो whole story है it's revolve around the concentration camp. So let's start. Year August 1942, place Piotrko, Poland. The sky was gloomy that morning as we waited anxiously. तो कब की बात है? Year August 1942 की. कौन सी जगह पे? Piotrko, Poland. The sky was gloomy. Gloomy means बहुत sad. जैसे आसमान को देख के ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत sad है उस सुबह, और वो जो है बड़ी परेशानी से किसी चीज़ का wait कर रहे हैं. All the men, women and children of Piotrko's Jewish ghetto had been herded into a square. We got to know that we were being moved. My father had died recently from typhoid, which was rampant through the crowded ghetto. My greatest fear was that our family would be separated. तो इसमें जो author है, he was talking about something. कि कहीं पे वो August 1942 में place में है, Piotrko, Poland में, और जो sky है, वो भी बिल्कुल sad लग रहा है. और जो सारे मैन और वुमेन हैं जूश घैटो मीन्स जूश जो लोग हैं उनकी जो बस्ती है, वहाँ पे सभी लोगों को एक स्क्वायर में इकट्ठे कर लिया गया है, और उन लोगों को पता है कि उन्हें किसी और जगह मूव किया जा रहा है. और जो ऑथर थे उनके जो फादर थे उन्हें टाइफाइड से अभी उनकी डेथ हो गई है, और उन्हें भी इसी जगह से लेके जाया गया था. लेकिन जो ऑथर है वो किस बात से डर रहा है कि मुझे जो है अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा, कि मेरी फैमिली अलग हो जाएगी. वट एवर यू डू इज डोर माई एल्डेस्ट ब्रदर विस्पर टू मी, डोंट टेल दैम योर एज, से यू आर 16. आई वॉज टोल फॉर अ बॉय ऑफ 11, सो आई कुड पुल इट ऑफ. तो जो उसका ब्रदर था ऑथर का, वो उसे कहता है कि तुम कुछ भी करना लेकिन अपनी एज जो है 16 बताना. ठीक है, तो जो ऑथर है वो कहता है कि मैं इतना लंबा था कि 11 ईयर के बॉयज इतने लंबे नहीं होते, बट मेरी एज 11 ईयर थी, लेकिन मैं 16 ईयर तक की एज का लग जाता था. दैट वे आई माइट बी डीम्ड वैल्यूएबल एज अ वर्कर. एन एसएस मैन अप्रोच्ड मी, बूट्स क्लिकिंग अगेंस्ट द कोबलस्टोन. ही लुक्ड एट मी अप एंड डाउन, देन आस्क्ड माई एज. 16 आई सैड. ही डायरेक्टेड मी टू द लेफ्ट वेयर माई 3 ब्रदर्स एंड द अदर हेल्दी यंग मैन ऑलरेडी स्टूड. तो उन्हें अपनी एज जो है वो रॉन्ग क्यों बतानी थी? क्योंकि ऐसा करने से जो वो वहाँ पर पुलिस मैन थे, जो आर्मी मैन थे, उन्हें क्या लगता कि ये बॉय जो है एक अच्छा वर्कर बन सकता है. तो उसने
अपनी एज उनको 16 बताई और उसे लेफ्ट साइड में मींस दो लाइंस बनाई हुई थी, एक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड में उसे भेज दिया जहाँ पर उसके ब्रदर भी थे और अदर जो यंग मैन पहले से ही खड़े थे, जो वहाँ पे हेल्दी लोग थे और जो यंग मैन थे उन्हें लेफ्ट साइड में खड़े किया हुआ था। माई ब्रदर वॉज डायरेक्टेड टू द राइट व्हेन द अदर वुमेन चिल्ड्रन सिक एंड एल्डरली पीपल आई व्हिस्पर्ड टू इज़िडोर व्हाई ही डिडंट आंसर आई रैन टू मम्मा साइड एंड टोल्ड हर दैट आई वॉन्टेड टू स्टे विद हर नो शी सैड स्टर्नली गेट अवे गो विद योर ब्रदर शी हैड नेवर स्पोकन सो हार्शली बिफोर बट आई अंडरस्टूड शी वॉज ओनली प्रोटेक्टिंग मी इट वॉज द लास्ट आई एवर सो ऑफ हर। तो उसकी जो मदर हैं उन्हें राइट साइड में खड़ा किया गया था, तो वो अपने ब्रदर से पूछता था कि वाई मदर को उस साइड क्यों भेजा, ठीक है, तो उसका ब्रदर उसे कोई आंसर नहीं देता। तो फिर वो ऑथर जो है वो भाग के अपनी मदर की तरफ चला जाता है, लेकिन मदर उसकी जो मदर है वो उसे बोलती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नो मेरे साथ तुम्हें नहीं आना। शी सैड स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स जैसे बड़े एकदम से डांटते हुए एकदम गुस्से से वो बोलती है कि तुम अपने भाइयों के पास चले जाओ। तो वो ये सोचता है कि उसकी जो मदर थी उसने पहले कभी इतनी हार्शली इतनी रूडली बात नहीं की थी, बट वो समझ जाता है कि उसकी मदर ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हैं और ये जो था उनकी लास्ट मीटिंग थी, मीन्स इस दिन के बाद उसने अपनी मदर को कभी भी नहीं देखा। माई ब्रदर्स एंड आई वर ट्रांसपोर्टेड इन अ कैटल कार टू जर्मनी। वी अराइव्ड एट द बुकेनवाल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप वन नाइट वीक्स लेटर एंड वर लेड इनटू अ क्राउडेड बैरिक। द नेक्स्ट डे वी वर इशूड यूनिफॉर्म्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। तो ऑथर और उसके ब्रदर्स को एक कैटल कार मीन्स जिसमें जानवरों को लेके जाते थे उसमें बिठाकर जर्मनी भेज दिया गया और फिर वहाँ पर वो एक बुकेनवाल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रुके एक रात के लिए, ठीक है, और फिर उन्हें कहाँ पर भेज दिया गया, एक क्राउडेड बैरिक, बैरिक मीन्स जहाँ पर सैनिक रहते हैं वहाँ पर भेज दिया गया। वहाँ पर उन्हें एक यूनिफॉर्म मिली और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला। आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स ये इस सबको अलग अलग नंबर दे दिए कि इन नंबरों से इनकी पहचान होगी। डोंट कॉल मी हेरमन एनी मोर आई सेड टू माई ब्रदर्स कॉल मी 94983। आई वॉज पुट टू वर्क इन द कैंप्स क्रेमेटोरियम लोडिंग द कॉप्सेस इंटू अ हैंड क्रैंक एलिवेटर आई ट्रू फेल्ट आई वॉज डेड हार्डन आई हैड बिकम जस्ट अ नंबर फोन माई ब्रदर्स एंड आई वर सेंड टू श्लीबैंड वन ऑफ बुक एंड वॉल सब कैंप्स नियर बर्लिन। तो जो उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाते थे, तो जो ऑथर है वो अपने ब्रदर से कहता है कि मुझे अब तुम हेरमन मेरा नाम लेकर मत बुलाना, मुझे अब तुम हेरमन नहीं बोलोगे, जस्ट मुझे 94983 कहकर ही बुलाना। मीन्स उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला था और उसे जो है कैंप के क्रीमेटोरियम मीन्स शमशान घाट में काम मिला, जहाँ पर उसे डेड बॉडीज़ को उठा के आगे लोड करना था। और वहाँ डेड बॉडीज़ के बीच काम करते करते ऑथर को क्या फील होने लग गया था कि मैं भी जो हूँ बिल्कुल अब डेड हो चुका हूँ। वाई? क्योंकि वहाँ पर उसे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, बस जस्ट उसे एक नंबर दे दिया गया था, उसी से सब उसे पहचानते थे, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ उसको और उसके ब्रदर्स को एक श्लीबैन कैंप में भेज दिया। बर्लिन के पास एक और कंसंट्रेशन कैंप था श्लीबैन, बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो उन्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। वन मॉर्निंग आई थॉट आई हर्ड माई मदर्स वॉइस सन आई हर्ड हर से सॉफ्टली बट क्लियरली आई एम गोइंग टू सेंड यू एन एंजल देन आई वॉक अप इट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल ड्रीम बट इन दिस प्लेस देयर कुड बी नो एंजल्स देयर वॉज ओनली वर्क एंड हंगर एंड फियर। तो जब वो ऑथर उसके ब्रदर्स कहाँ पर श्लीबैन कैंप में जाते हैं, तो एक दिन ऑथर को क्या लगता है कि उसकी मदर उसे बुला रही हैं और बड़े प्यार से कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक एंजल मीन्स एक परी भेज रही हूँ। ऐसा ऑथर को लगता है कि मेरी मदर मुझे कह रही हैं, तो एकदम से ऑथर जो है वो उठ जाता है और उसे फिर पता लगता है कि ये तो एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम थी, एक सपना था, लेकिन इस जगह पे तो कोई भी एंजल नहीं है, यहाँ पे तो बस वर्क है, हंगर है और फियर है। अ कपल ऑफ डेज लेटर आई वॉज वॉकिंग अराउंड द कैंप अराउंड द बैरिक्स नियर द बार्ब्ड वायर फेंस वेयर द गार्ड्स कुड नॉट ईजली सी आई वॉज अलोन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस आई स्पॉटेड समवन अ लिटल गर्ल विद लाइट ऑलमोस्ट ल्यूमिनियस कर्ल्स शी वॉज हाफ हिडन बिहाइंड अ बर्ज ट्री आई ग्लैंस्ड अराउंड टू मेक श्योर नो वन सॉ मी
आई कॉल टू हर सॉफ्टली इन जर्मन। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, जो ऑथर है वो कैंप में इधर उधर घूम रहा होता है बैरिक्स के आसपास, ठीक है। तो जो बार्ब्ड वायर फेंस मीन्स जो उनकी बॉर्डर की लाइन होती है जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से सेपरेट करती है, वहाँ पर उसके आसपास वो घूम रहा होता है गार्ड से बचकर। मीन्स जो गार्ड्स हैं वो उसे वहाँ पर नहीं देख पा रहे थे, वो बिल्कुल अकेला था। तो एकदम से उसे क्या लगता है कि फेंस के दूसरी साइड कोई है, मीन्स ऑन अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। वो देखता है एक लिटिल गर्ल है वहाँ पे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और उसके बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कर्ल्स मीन्स उसके जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, और वो एक ट्री के पीछे आधी छिपी हुई है। और वो जो है इधर उधर देखता है कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और फिर वो बड़ी सॉफ्टली उसे जर्मन वॉइस में कुछ पूछता है। जर्मन वॉइस मीन्स जर्मनी लैंग्वेज में कुछ पूछता है। डू यू हैव समथिंग टू ईट, शी डिडंट अंडरस्टैंड। आई इंच क्लोजर टू द फेंस एंड रिपीटेड क्वेश्चन इन पोलिश। शी स्टेप फॉरवर्ड। आई वॉज लीन एंड थिन विद रैग्स रैप्ड अराउंड माई फीट, बट द गर्ल लुक्ड अनअफ्रेड। इन हर आइज आई सॉ लाइफ। शी पुल्ड एन एप्पल फ्रॉम हर वूलन जैकेट एंड थ्रू इट ओवर द फेंस। I grabbed the fruit and I started to run away. I heard her say faintly, I'll see you tomorrow. तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, लेकिन गर्ल जो है उससे समझ नहीं आता। फिर वो थोड़ी और पास जाकर पोलिश लैंग्वेज में पूछता है, तो वो जो गर्ल है वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो जो ऑथर था वो बहुत ही दुबला और पतला था, और उसके जो फीट थे उस पर उसने रैग्स को रैप किया हुआ था, अब मतलब अपने फीट्स को जो है रैप किया हुआ था। बट जो गर्ल थी वो बिल्कुल अनअफ्रेड लग रही थी, जैसे उसे डर ही ना लगता हो। ऑथर को उसकी आंखों में लाइफ नज़र आ रही थी, लाइफ मीन्स होप, कि उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो गर्ल जो है एक एप्पल थ्रो करती है अपनी जैकेट से निकाल कर, और जो ऑथर था उसने क्या किया, एप्पल को उठाया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया। तो एकदम से उसे सुनाई देता है कि पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें अब कल मिलूँगी। आई रिटर्न टू द सेम स्पॉट बाय द फेंस एट द सेम टाइम एवरी डे। शी वॉज ऑलवेज देयर विद समथिंग फॉर मी टू ईट, अ चंक ऑफ ब्रेड और बेटर येट एन एप्पल। वी डिडंट डेयर स्पीक और लिंगर, टू बी कॉट वुड मीन डेथ फॉर बोथ ऑफ अस। आई डिडंट नो मच अबाउट हर एक्सेप्ट दैट शी वॉज फार्म गर्ल and that she understood Polish. What was her name? Why was she risking her life for me? There was very little hope for us. Yet this girl on the other side of the fence cared for me. तो जो ऑथर है वो डेली उस जगह पर पहुँच जाता था जहाँ पर वो गर्ल जो है उसे एप्पल देती थी, और वो गर्ल जो थी वो डेली उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती थी, बेशक एक रोटी का टुकड़ा या फिर एक एप्पल, लेकिन कभी भी उनकी आपस में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। Why? Because उन्हें डर था कि अगर हम पकड़े गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो जो ऑथर था वो उस गर्ल के बारे में इतना नहीं जानता था, बस उसे क्या पता था कि वो जो गर्ल है वो किसी किसान की बेटी है, फार्म गर्ल है, और उसे पोलिश समझ आती है। उस गर्ल का क्या नाम था, वो उस बॉय के लिए अपनी लाइफ को क्यों इतना डेंजर में डाल रही थी, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो ये जानता था कि हमारे लिए बहुत कम होप है, मीन्स हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, फिर भी जो गर्ल है वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। नियरली 7 months लेटर माई ब्रदर्स एंड आई वर क्रैम्ड इन टू अ कॉल कार एंड शिप टू थ्रेसेंडेट कैंप इन चेकोस्लोवाकिया। नो नीड टू कम बैक, आई टोल्ड द गर्ल दैट डे वी आर लिविंग। आई टर्न टूवर्ड द बैरिक्स एंड डिडंट लुक बैक। Didn't even say goodbye to the little girl whose name I had never learned, the girl with the apples. तो वहाँ पर उस कैंप में 7 months रहने के बाद ऑथर को उसके ब्रदर्स को एक कॉल कार में बिठाकर थेरेसिसिडेट कैंप भेज दिया गया इन चेकोस्लोवाकिया। और वो उस दिन उस गर्ल को बोलता था कि तुम अब यहाँ वापस मत आना, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, और अब हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। और उसे उसने उस गर्ल को गुड बाय भी नहीं बोला, और उसे उस गर्ल का नाम तो पता ही नहीं था, तो उसे क्या बोलता था, अ गर्ल विद द एप्पल। वी वर इन थेरेसिसिडेट फॉर 3 months, द वॉर वॉज वाइंडिंग डाउन एंड अलाइड फोर्सेज वर क्लोजिंग इन, येट माई फेम सीम साइलेंस। ऑन May 10, 1945, आई वॉज शेड्यूल्ड टू डाई इन द गैस चैम्बर एट 10 AM।
In the quiet of dawn, I tried to prepare myself. So many times death seemed ready to claim me, but somehow I had survived. Now it was over. I thought of my parents. At least I thought we will be reunited. तो जो ऑथर था और उसके ब्रदर्स थे वो थेरेसिसी डेथ कैंप में 3 months तक रहे और उसके बाद जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी और जो एलाइड फोर्सेस हैं मीन्स जो उनकी वॉर में हेल्प के लिए फोर्सेस थी वो अब पास आ रही थी। लेकिन जो ऑथर था उसे क्या लगा एकदम से कि मेरी जो अब किस्मत है वो मेरा साथ नहीं देगी। वाई? बिकॉज 10 मई 1945 को ऑथर को एक गैस चैम्बर में डेथ के लिए भेजा जाना था। गैस चैम्बर क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत सारे ज्यूस पीपल को इकट्ठे करके मींस गैस छोड़ दी जाती थी और वो सांस घुटने की वजह से वहाँ मर जाते थे। तो जो ऑथर था उसे भी अब वहाँ पर गैस चैम्बर में जाना था। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। कैसे प्रिपेयर कर रहा था? तो वो सोच रहा था कि मैं इतनी बारी जो हूँ मरते मरते बचा हूँ, लेकिन अब की बार मुझे मरना ही पड़ेगा, तो चलो ऐसा होगा कि मैं दोबारा से अपनी फैमिली के पास जा सकूँगा। मींस उसकी फैमिली वो सोचता है कि मरने के बाद इकट्ठे हो जाएगी। बट एट 8 AM देर वॉज अ कमोशन। आई हर्ड शाउट्स एंड सॉ पीपल रनिंग हेल्टर स्केल्टर थ्रू द कैंप। आई कॉट अप विद माई ब्रदर्स। रशियन ट्रूप्स हैड लिबरेटेड द कैंप। द गेट स्वंग ओपन। एवरीवन वॉज रनिंग। सो डिड आई टू। लेकिन 10 बजे उसे जैसे लेके जाना था गैस चैम्बर में, 8 बजे क्या होता है उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है और वो देखता है कि कैंप में सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और उसे क्या पता चलता है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं मींस जो जर्मनी पे जैसे रशियन जो अटैक करने वाला था, जिसकी जर्मनी के साथ लड़ाई हो रही थी, उसने जर्मनी को हरा दिया है और अब जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने उनके कैंप को आज़ाद कर दिया गया है। कैंप के जो गेट हैं वो खुल गए हैं। तभी सारे बाहर की तरफ भाग रहे थे तो ऑथर भी बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ माई ब्रदर्स हैड सर्वाइव्ड। आई वॉज नॉट श्योर हाउ, बट आई न्यू दैट द गर्ल विद द एप्पल्स हैड बीन द की टू माई सर्वाइवल। इन अ प्लेस वेयर एवल सीम ट्रिम्फेंट, वन पर्सन्स काइंडनेस हैड सेव्ड माई लाइफ, हैड गिवन मी होप इन अ प्लेस वेयर देयर वॉज नन। My mother had promised to send me an angel and I knew the angel had come. ऑथर बाहर आता है उसमें कैंप में से तो वो बड़ा सरप्राइज होता है कि उसके सारे ब्रदर्स जो हैं वो जिंदा हैं, मीन्स वो सारे बच गए हैं। उसे नहीं पता वो कैसे बचे हैं, लेकिन वो सोचता है कि जो गर्ल मुझे एप्पल देती थी हम उसी की वजह से बचे हैं, क्योंकि जहाँ पर बिल्कुल जो बुराई है चारों तरफ बुराई थी, बुराई की जीत होने वाली थी, उस गर्ल की जो काइंडनेस है, जो वो मुझे फूड दे के जाती थी, उसने मुझे होप दी, एक उम्मीद दी, ठीक है, कि हम भी जो हैं बच सकते हैं। तो उसे याद आता है कि मेरी मदर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो एक एंजल को भेजेंगी, तो उन्होंने जो एप्पल गर्ल है वो एंजल मेरे पास भेजी थी। इवेंचुअली आई मेड माई वे टू इंग्लैंड वेयर आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाई अ जूश चैरिटी टू बी ट्रेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। Put up in a hostel with other boys who had survived the Holocaust. I then came to America where my brother Sam had already moved. I served in the US Army during the Korean War and returned to New York City after 2 years. By August 1957, I had opened my own electronics repair shop. I was starting to settle in. तो उस कैंप में जितने भी बॉयज़ बचते हैं उनको एक चैरिटी मींस जो लोगों की हेल्प करती है वो इंग्लैंड बुला लेती है। तो वहाँ पर उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ सेटल कर सकें। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ऑथर अमेरिका चला जाता है जहाँ पर उसका ब्रदर सैम पहले से ही रहता था। तो वहाँ पर अमेरिका में वो 2 साल तक US आर्मी में काम करता है ड्यूरिंग द कोरियन वार, और उसके बाद वो 2 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी वापस आ जाता है। एंड 1957 अगस्त में वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप ओपन कर लेता है और वो सोचता है कि मुझे अब अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल होना चाहिए। वन डे माई फ्रेंड सिड हु आई न्यू फ्रॉम इंग्लैंड कॉल्ड मी। आई हैव गॉट अ डेट। शी इज़ गॉट अ पॉलिश फ्रेंड। लेट्स डबल डेट। अ ब्लाइंड डेट? ना, दैट वॉजंट फॉर मी। बट सिड केप्ट प्रेसिंग मी एंड अ फ्यू डेज लेटर We headed up to the Bronx to pick up his date and her friend Roma. I had to admit, for a blind date, this wasn't so bad. Roma was a nurse at a Bronx hospital.
She was kind and smart, beautiful too, with swirling brown curls and green almond shaped eyes that sparkled with life. तो एक दिन क्या होता है, ऑथर का एक फ्रेंड जो इंग्लैंड से उसे जानता है, मीन्स अब वो अमेरिका में है लेकिन उसका फ्रेंड है जो इंग्लैंड से उसे जानता था, नेम सिड, वो ऑथर को बोलता है कि मुझे एक डेट मिली है, मीन्स अ फ्रेंड. तो उसे एक पॉलिश फ्रेंड मिलती है, तो ऑथर को बोलता है कि लेट्स डबल डेट, कि जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड होगी तुम उससे एक बार मिल लो. अब ब्लाइंड डेट क्या होता है कि जब हम एक दूसरे पर्सन को नहीं जानते और फिर भी हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, दैट इज़ अ ब्लाइंड डेट. तो ऑथर उसे मना कर देता है कि ब्लाइंड डेट मेरे बस की बात नहीं है, आई एम नॉट गोइंग. लेकिन जो सिड है वो उसे प्रेसराइज करता है, उसे फोर्स करता है, तो वो ऑथर मान जाता है. तो वहाँ पर भी जब वो सिड है वो अपनी फ्रेंड के साथ जाता है, तो वहाँ पर उन्हें ऑथर जो है रोमा से मिलते हैं. तो ऑथर रोमा से मिलने के बाद सोचते हैं कि ब्लाइंड डेट जो है वो इतनी बेकार आइडिया भी नहीं है. रोमा जो है एक नर्स थी जो ब्रॉन्क्स हॉस्पिटल में काम करती थी. वो बहुत ज़्यादा काइंड और स्मार्ट थी, ब्यूटीफुल थी, उसके हेयर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, उसकी आईज जो थी वो ग्रीन कलर की थी, बिल्कुल आलमंड शेप्स थी, ठीक है, और उसकी आँखों से जो है लाइफ झलकती थी. लाइफ मीन्स बहुत ब्राइट उसकी आईज थी. द फोर ऑफ अस ड्रोव आउट टू कनी आइलैंड. रोमा वॉज ईजी टू टॉक टू, ईजी टू बी विद. इट टर्नड आउट दैट शी वॉज वेरी ऑफ ब्लाइंड डेट्स टू. We realized that we both were just doing our friends a favor. We took a stroll on the boardwalk, enjoying the salty Atlantic breeze, and then had dinner by the shore. I don't remember having a better time than this. तो वो चारों जो हैं कनी आइलैंड पर चले जाते हैं, और वहाँ पे वो उसे क्या फील होता है ऑथर को, कि रोमा जो है वो इतना अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रही, उसके साथ बात करना आसान है, उसके साथ रहना आसान है. तो उसे लगता है कि ब्लाइंड डेट्स जो हैं बहुत अच्छी होती हैं. तो उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि हम जो दोनों हैं एक दूसरे का फेवर नहीं कर रहे, हम अपने फ्रेंड्स का फेवर कर रहे हैं, मीन्स जो सिड और उसकी फ्रेंड आए हैं हम जस्ट उनको कंपनी दे रहे हैं. उसके बाद वहाँ पर वो एटलांटिक ब्रीज, मीन्स एटलांटिक ओशन के पास बैठ कर, थोड़ी हवाएँ जो होती हैं चल रही होती हैं वहाँ पर बैठ कर वो डिनर करते हैं. और ऑथर को क्या फील होता है कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा टाइम आज तक नहीं मिला, मतलब इससे अच्छा टाइम आज तक मुझे कोई लगा ही नहीं. वी पाइल बैक इनटू सिड्स कार, रोमा एंड आई शेयरिंग द बैक सीट. एज यूरोपियन ज्यूज हु हैड सर्वाइव द वॉर, वी वर अवेयर दैट मच हैड बीन लेफ्ट अनसेड बिटवीन अस. शी ब्रोच्ड एंड द सब्जेक्ट, वेयर वर यू, शी आस्क्ड सॉफ्टली इन द वॉर. आफ्टर द डिनर वो दोनों कार में आके बैक सीट पर बैठ जाते हैं और सिड और उसकी फ्रेंड फ्रंट सीट पर होते हैं. तो वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जैसे कि वो यूरोपियन ज्यूज हैं, वो होलोकॉस्ट से बच के आए थे. तो उन्हें लगता है कि हमारे बीच अभी बहुत कुछ है जो शेयर नहीं हुआ. तो जो रोमा है वो उसे बड़ी सॉफ्टली पूछती है कि लड़ाई के टाइम तुम कहाँ पर थे. तो ऑथर क्या रिप्लाई करता है, द कैंप्स आई सैड विद द टेरिबल मेमोरीज स्टिल विविड एंड द इररिपेरेबल लॉस फ्रेश इन माइंड. I had often tried to forget, but you can never forget them. She nodded and said, My family was hiding in a farm in Germany, not far from Berlin. My father knew a priest and he got us iron papers. I imagined how she too must have suffered with constant fear, a constant companion, and yet here we were both survivors in a new world. तो author से कहता है कि मैं camps में था और मेरे साथ जो है कैंप्स की अभी भी बहुत ज़्यादा गंदी जो मेमोरीज़ हैं, मीन्स जो इरिपेयरेबल लॉस, ऐसा लॉस जो मुझे हुआ है जो मैं कभी रिपेयर नहीं कर सकता, वो अभी भी मेरे माइंड में है. मैंने उन यादों को भूलने की बहुत कोशिश करी बट उन्हें भुलाया नहीं जा सकता. तो गर्ल जो है वो अपना सिर हिलाती है जैसे वो यस बोल रही हो, और फिर वो बताती है कि मेरी फैमिली जो है वो जर्मनी के एक फार्म में छिपी हुई थी जो बर्लिन से ज़्यादा दूर नहीं था. तो मेरे फादर वहाँ के एक प्रिस्ट को जानते थे और उन्होंने, जो प्रिस्ट थे उन्होंने हमें आयरन पेपर्स मीन्स एक ऐसे पेपर दिए जिन पे लिखा हुआ था कि ये ज्यूज नहीं है, ये आयरन लोग हैं, हमें दे दिए थे तो इसलिए हम बच गए. तो जो ऑथर है वो इमेजिन करता है कि कितना जो है इन्होंने सफ़र किया होगा, एक डर में ये कैसे रहे होंगे, एक डर जो इनका बिल्कुल दोस्त बन चुका था. तो कहते हैं कि हाँ, और आज हम दोनों बच गए हैं और एक नए वर्ल्ड में आ गए हैं. देयर वॉज द कैंप नेक्स्ट टू द फार्म, रोमा कंटिन्यूड.
I saw a boy there and I would throw him apples every day. It was a sheer coincidence that she had helped some other boy the way she did to me. What did he look like? I asked. He was tall, skinny and hungry. I must have seen him every day for 6 months. तो जो रोमा है वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है कि हम वहाँ पर एक कैंप के पास रहते थे और वहाँ पर मैंने एक लड़के को देखा था जिसे मैं रोज एप्पल देती थी। तो जो ऑथर है वो सोचता है कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मींस कि जो गर्ल है उसने जैसे मेरी हेल्प की थी, क्या अब तक किसी और बॉय की भी हेल्प की हो। तो वो उससे पूछता है कि जो बॉय था वो कैसा दिखता था, क्या वो लंबा था, कैसी स्किन थी उसकी, क्या वो बहुत हंग्री था। तो वो कहता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद मैं वहाँ कैंप में जब रहता था तो मैंने उसे कभी ना कभी देखा होगा। माई हार्ट वॉज रेसिंग, आई कुडंट बिलीव इट, दिस कुडंट बी, डिड ही एवर टेल यू नॉट टू कम बैक बिकॉज ही वॉज लिविंग श्लेबैन। तो जो ऑथर था उसका हार्ट एकदम से बहुत ज़्यादा बीट करने लग जाता है, मीन्स वो एकदम जैसे हमें ऐसा लगता है किसी बात पर यकीन नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था, मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो उससे पूछता है कि क्या उस बॉय ने तुम्हें ऐसा कभी कहा था कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम दोबारा वापस मत आना। रोमा लुक्ड एट मी विद पजल्ड आईज एंड ब्लॉक्ड आउट, यस दैट वॉज मी, आई वॉज फिल्ड विद जॉय एंड वे फ्लडेड विद इमोशंस, आई कुडंट बिलीव इट, इट वॉज एंजल। तो जो रोमा है वो एकदम से पजल्ड, जैसे वो ये सोचती है कि इसको ऑथर को ये सब कैसे पता। तो वो सोचती है, एकदम से उसकी तरफ देखती है और बोलती है यस। तो वो जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसके, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो जाता है, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो रोमा है वो एंजल है। आई एम नॉट लेटिंग यू गो, आई सेड टू रोमा, एंड इन द बैक सीट ऑफ द कार ऑन दैट ब्लाइंड डेट आई प्रपोज टू हर, आई डिडंट वॉन्ट टू वेट। ऑथर रोमा से कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो उसी दिन बैक सीट पर उसे प्रपोज करता है क्योंकि वो और ज़्यादा इंतजार करना नहीं चाहता था। यू आर क्रेजी शी सैड, बट शी इन्वाइटेड मी टू मीट हर पेरेंट्स फॉर सब बाथ डिनर द फॉलोइंग वीक। देर वॉज सो मच आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग अबाउट रोमा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई हैव ऑलवेज न्यू हर स्टेडफास्टनेस एंड हर काइंडनेस फॉर मैनी मंथ्स इन द वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस शी हैड केम टू द फैंस एंड गिवन मी होप। Now that I had found her again, I could never let her go. After nearly 50 years of marriage with 2 children and 3 grandchildren, I have never let her go. तो जो रोमा है वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जब उसे प्रपोज करता है टू मैरी तो वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन फिर वो उसे इन्वाइट करती है एक सब बात डिनर, मीन्स एक यूनाइटेड डिनर उसके पेरेंट्स के साथ। तो जो ऑथर है वो सोचता है कि अभी मुझे रोमा के बारे में बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता हैं कि वो कितनी काइंड है, वो कितनी अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे महीनों तक उसको जो है इतने वर्स्ट मीन्स इतने बुरे हालातों में भी उसकी हेल्प की थी और उसे उम्मीद दी थी। और ऑथर सोचता है कि अब जब वो एंजल उसे दोबारा मिल गई है तो वो उसे कभी जाने नहीं देगा। तो नियरली 50 ईयर्स उनकी शादी को अब हो गए हैं, तो उनके 2 children और 3 grandchildren हैं। तो ऑथर कहता है मैंने आज तक उसे जाने नहीं दिया। सो इन दिस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट द स्टोरी ऑफ ऑथर एंड हिज वाइफ, कि जो ऑथर है वो कैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में सफ़र करता है और जो गर्ल है वो कैसे उसकी हेल्प करती हैं, और एंड फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो दोनों जो दोबारा मिल जाते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। Hope all of you have understood the story, and if any student have any problem, they may contact to me. Thank you, students.